कोको कितनी तेज बारिश हो रही है, पता है बारिश हो रही है और बहुत इतने ना हवा टाइप की चल रही है, मौसम बहुत ही डेंजर वाला हो रहा है, बहुत ही काला बादल है, कैमरे में तो दिख भी नहीं रहा, बहुत ही काला बादल है, कैमरे में तो आपको बहुत सही साफ दिख रहा होगा, और हवा बहुत तेज चल रही है, सबसे बड़ी बात है हवा चल रही है बहुत तेज, तूफान आ रहा है, अभी मौसम बिल्कुल सही था थोड़ी देर पहले, ये देखो ये दोनों को ही ना अभी फिर शुरू कर दिया इसके साथ इन्होंने झगड़ा, अरे गीला हो जाता है वो ऐसे करते हो तो, ये देखो ये काटेगा ना किसी दिन तुम्हें, तब रहोगे तुम सही बिल्कुल, इन्हें अपनी मस्ती सूझ रही है दोनों को, दो गुर्रा रहा गुर्रा, बैठो नीचे, ओहो बड़ा सभ्य है, मान भी गया कोको है, इसे अंदर लेके आओ, बहुत क्या कहते हैं गीला हो जाता है, फिर इसके वही फंगस हो जाती है हाथों पैरों में, इसको लाओ, इसका मुंह साफ कर लो, ले आओ अपने आप उठाकर, और इस मौसम का फायदा उठाते हुए बन रही है चाय, और पापा ने बोला है पकौड़ी बनाने के लिए, तो पकौड़ी की भी तैयारी चल रही है, अब देखो थोड़ी सी देरी हुई है अभी, मुश्किल से 5 मिनट, और पूरे में धुंध धुंध टाइप की हो गई, इतनी तेज बारिश हो रही है, वाह क्या मौसम हो गया, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया, ठंडा ठंडा, इसको देखो इसको कितनी सनक चढ़ी है बाहर जाने की, और इतनी तेज बारिश हो रही है ना बाहर, बहुत ही तेज, और ये कि मुझे बाहर जाना है, तो इस मौसम में बन रही है सबसे पहले प्याज की पकौड़ी, है ना, क्या क्या डाल दिया इसके अंदर, बेसन नमक मिर्च हल्दी और हल्दी धनिया भी डालो, और चाय भी हमारी बनके तैयार हो गई है, ऑयल गर्म हो गया है, तो पकौड़ी तलना स्टार्ट, ये सिर्फ आलू उसकी प्याज की यश खाते हैं, हम लोग तो आलू की खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं प्याज की, तो पहले उनके लिए बन रही है फिर हम अपने लिए बनाएंगे, आलू भी छीन लिए हम लोगों ने, आलू की बनाएंगे, और ये देखो ये यहाँ से पता नहीं प्याज का पता नहीं आलू का बक्कल छील के मतलब बक्कल उठा के तब दब खाने पर लगा पड़ा है, अरे चालू देखो 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 नो नहीं कोको गंदी बात बेटा, देखिए देख क्या कर रहा है बदतमीज, आलू का चक्कर अरे इतनी जल्दी जल्दी उठा कर रहा, देखो 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 इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से उठाऊँ कुछ मिल ना रहा, देखो जरा ये देखो पागल कहीं का, अभी जब पापा आ रहे हैं, हाँ अभी पापा आ रहे हैं, पापा के नाम से देखो कैसे शांत बैठ गया, आ गए पापा, अभी करेंगे पिटाई तेरी, कैसे ऐसी चीजें खाता है, देखो भाग जाएगा, हमने ना चेयर सरका दी इधर को, क्योंकि पता है यहाँ से उठा उठा के खाया जा रहा था बक्कल सक्कल सब, तो अब देख रहा है कि मैं कैसे जाऊं, हाँ अब मिल ली ना बहुत चालू है, पकौड़ी हमारी रेडी हो गई है, देखो अब यहाँ आके बैठ गया है कि मुझे क्या कहते हैं बारिश देखनी है, बारिश हो रही है बहुत तेज इस टाइम, तो मुझे बारिश देखनी है, हम पानी में भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि पता है इसको अभी प्रॉब्लम हो गई थी बहुत एलर्जी की बारिश के पानी की वजह से, जैसे छज्जे पे पानी रहता है ना कि उसी पे पैर रख रख के चलता है, तो इसके पैरों में फंगस टाइप की हो गई थी, हम इसको पानी में नहीं जाने दे रहे, तो इसे वो चाहिए बहाना जाने का वहाँ पर, तो ये इनकी पकौड़ी बन के बिल्कुल रेडी है जो इस तरीके से सर्व हुई है, कैसा लग रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है, ओह बड़ा मजा आ रहा है, बारिश का मौसम और गर्मा गर्म पकौड़ी जो बाहर नहीं खा रहे यहीं खाओ आराम से, ये भी तो कौन सा बाहर का दिख नहीं रहा है, तो इसे कहते हैं जन्नत, है ना, जो हमारे पापा को बहुत अच्छा लगता है इंजॉय करना, और देखो बराबर में इनका कुत्ता जो इन्हीं को देखता रहेगा, इसको कुछ मिलेगा नहीं, पकौड़ी नहीं खाते हैं डॉगी, कोको पकौड़ी नहीं खाते हैं डोगी, तो चलो इंजॉय करो तुम अपनी पकौड़ी, अच्छा अच्छा हाँ ये या तो हमें कुत्ता समझता है या अपने आप को कुत्ता नहीं समझता है, क्योंकि इसको ये लगता है ये तो इस घर का राजा है, है भाई, देखियो देखियो कैसी इशारों में बातें चल रही हैं दोनों की, चलो ठीक है, कैसी लग रही है 9 मिनट, सही है, बढ़िया बढ़िया, बारिश होते होते क्या हालत हो गई पूरी रोड की, पूरे में नाली का पानी, और आगे तो पता है नदी बह रही है, नदी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग ये कहोगे कि क्या हो रहा है, ये नदी पूरी सड़क पर पानी पानी, बाकी कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, देखो इधर की साइड भी पूरी सड़क पर पानी पानी, बारिश होने के बाद ये हालत हो जाती है हमारी रोडों की, देखो कितना ज़्यादा पानी हो गया, और ये मुश्किल से अभी 10-15-20 मिनट की बारिश हुई है ये अभी, तो इतनी बुरी हालत हो गई है, और अभी तो ये होगी क्योंकि काला है बिल्कुल बादल, देखो और बहुत मतलब गड़क भी रहा है, अभी तो होगी बारिश, देखो जरा क्या हालत होगी, मुझे लग रहा है नदी बहेगी हमारे घर के आगे, बहुत बुरी हालत है, बहुत ही बुरी,
समोसा पार्टी फिर से स्टार्ट हो गई है। उधर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे क्लाइंट का काम चल रहा है और अभी बच्चे सब आने वाले हैं खाने के लिए। धीरे धीरे करके सब आने लगे हैं, कुछ लोग अभी नहीं आ रहे हैं। तू मेरी बना, ये ना आंगे हैं कोई समोसो खाए या ना खाए, हम समोसो जरूर खाएंगे। आज शुगर कम होगी ना? और इधर मीनाक्षी, आज मेरी शुगर दोपहर में आई है 119, इसका मतलब बिल्कुल खत्म हो गई शुगर। मीनाक्षी हाँ हाँ, मुबारक हो मुबारक हो। इस खुशी में समोसा पार्टी, शुगर कम होने की खुशी में समोसा पार्टी। तुम लोग अपना खाओ पियो मजे करो, इनका क्या है, ये तो एंड में आएंगे जब ठंडे हो जाएंगे समोसे बिल्कुल। हैं ना, उनके रख देना, जो लोग काम कर रहे हैं ना उनका रख दो सबका। देखो ऐसा रह करो, बिल्कुल खुश मस्त खाओ पियो ऐश करो, और देखो खा पी के भी इतना खिलाने पिलाने फिर भी वजन कम हो गया। कितनी कम हो गई, जींस जो नावी आती थी वो भी जींस आने लगी ना, जो नहीं आती थी वो भी आने लगी सारी जींसों से। तो देखो ऐसा पार्लर होना चाहिए जो हेल्थ भी कम करा देता है, मतलब हेल्थ मीन्स वेट भी कम करा देता है। तो ये देखो रात का खाना खा रहे हैं हम लोग, ये है रायता। अरे ये किस चीज का रायता है? आज बच्चे रुके हुए हैं घर पे, आलू का रायता है ये। इन्होंने अपने भैया के लिए नहीं बनाया, ये मेरे लिए बनाया क्योंकि मैं चटपटा खाती हूँ। और ये है आलू गोभी की सब्जी, तुम्हारे भैया तो खाएंगे नहीं ये। और ये है तुरई की सब्जी, तो चटपटा चटपटा बनाया है। घी क्या चीज? अच्छा रायता, उनके लिए अलग से निकाला क्या? मिर्ची की वजह से ना खाएंगे बेटा वो, लेकिन बढ़िया लग रहा है ना। आजो आजो, कोई ना कोई आओ मेरे साथ, तू ही बैठ जा, ये लोग बना लेंगे, तू आजा। हाँ तो बस सब अपना लिया हो ना, मैं तो एक रोटी और लूंगी बस। ये बेटा मेरा कोको, ये मेरा चूना, मेरा चूना। यशवीर अभी आए नहीं है, वो आएंगे अभी खाना खाएंगे आके, उससे पहले पहले हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि भैया भूख लग रही है। और क्या कहते हैं, आज बच्चे यहीं पर रुके थे, तीनों रुके हैं ये, मीनाक्षी और संजू और बबली, तीनों रुके हैं आज ये। मैंने इन लोगों को बुला लिया। अरे कैसी हो, खा लो हमारे घर में कोई ना देख रहा कुछ भी। और मैं पता इन लोगों के पास ही बैठी हूँ, रूम को इग्नोर करना बहुत ही बुरा हो रहा है। फैलावा हुआ बड़ा फैलावा। तो हम लोग चारों खाना खाते हैं, वो जीभ लपा के ले रही है उसकी कि मुझे नहीं मिल लिया, बाद में देना, इसे कुछ मत देना बिल्कुल भी। ए कोको पिटाई हो जाएगी, खाना खाने तो दे दियो। और यश अभी आए नहीं है, वो अपनी किसी मीटिंग में है। तो बच्चे आज रुक गए थे मेरे पास के भाभी आप अकेली रहोगी इतनी देर तक, है ना। राय तो कितना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस, क्या गजब। तो क्या थोड़ा सा तो खा लेंगे।